नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देवर्धन नक्सल। दोस्तों, आज मैं आपको जो सवाल पूछने जा रहा हूं उसके बहुत सारे रेमिफिकेशंस हैं, सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर के साथ में नहीं, लेकिन बहुत सारे और सेक्टर्स हैं। इनफैक्ट आपके एम्प्लॉयमेंट को भी वही चीज, मेरे जो सवाल है वो एप्लीकेबल है। यानी आप किसी के लिए काम कर रहे हो, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो, तो मेरे जो सवाल हैं जो अभी मैं आपसे करने जा रहा हूं वो सारे सवाल वहां पर भी एप्लीकेबल होंगे। अगर आप किसी के ऊपर भरोसा करके पैसे रखते हो, डिपॉजिट में रखते हो वगैरह, तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। यानी कि ये सवाल जो मैं उठाने जा रहा हूं बहुत ही वाइड एप्लीकेशन का सवाल है, लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूं मेनली रियल एस्टेट सेक्टर को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप किसी भूत पिशाच के साथ, किसी घूल के साथ संबंध बनाओगे? क्या आप किसी भूत पिशाच, किसी राक्षस के साथ व्यापार करोगे या उसकी नौकरी करोगे? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग कह देंगे कि नहीं, हम तो दस सर वाले रावण या बकासुर या कुंभकर्ण के लिए नौकरी नहीं करें, यह हमारा धर्म कहता है कि हम ऐसे राक्षसी यानी एंटिटी के लिए काम नहीं करेंगे। ऐसे आप कह दोगे? मुझे तो ऐसे लग रहा है। मुसलमानों से कहूं कि आप किसी जिन के लिए नौकरी करोगे? आपके धर्म ग्रंथ में जिन का जिक्र किया हुआ है और कहा गया है कि जिन एक बहुत ही गंदी टाइप की आत्मा है जो अल्लाह से परे है, क्या आप उसके लिए नौकरी करोगे? तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे कि नहीं सर, हम तो सिर्फ इंसानों के लिए नौकरी करना कबूल करते हैं, हम इंसानी दुनिया के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, हम इंसानी दुनिया में यानी इंसानों के बीच में रहना चाहते हैं, किसी घूल भूत पिशाच जिन राक्षस इन चीजों से हम कोई वास्ता नहीं रखना चाहते, करेक्ट? तो आज मैं आपसे पूछता हूं कि जो कंपनी है, कंपनी तो बड़ा नॉर्मल शब्द लगता है, ऐसे लगता है अरे यार कहां भूत पिशाच, कहां कंपनी, कहां जिन, कहां कंपनी, कैसी तुलना कर रहे हो, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, कहीं अंकल ज्यादा पी ली है क्या, ये टाइप के सवाल उठेंगे। लेकिन मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कंपनीज के साथ व्यवहार करना, व्यापार करना, शायद किसी जिन या भूत पिशाच के साथ व्यापार करने से अलग नहीं है। उनके साथ डीलिंग करना कुछ उतना अलग नहीं है जितना आप समझते हो। पहली बात है कि जिन, भूत पिशाच ये सब क्या है, तो ये तो क्लियर है कि इंसान तो नहीं है, इंसानी दुनिया की चीज है ही नहीं, यानी ऐसी ये जिसे हम नेचुरल वर्ल्ड कहते हैं, नेचुरल वर्ल्ड की चीजें है ही नहीं। पहली बात है कि मैं मानता नहीं हूं कि ये सभी चीजें हैं, लेकिन एक बार मान के चलते हैं कि ये सारी जो बातें हैं वो सच है। तो नेचुरल वर्ल्ड की चीजें नहीं है, नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स की तरह नहीं है, नेचुरल इंसानों की तरह नहीं है, ये कुछ और है। कंपनीज भी ऐसे ही हैं, वो इंसानी दुनिया से तो परे हैं, वो इंसान है नहीं, लेकिन उनको एक पर्सनैलिटी दिया जाता है, वो एक लीगल पर्सन है, कायदे कानून की भाषा में उनको लीगल पर्सन माना जाता है। आप कंपनी का डेफिनेशन पढ़ के देखिए, वो कहेंगे वो पर्सन है, वो इंसान जैसे जैसे आप हो और मैं हूं, वो किसी के ऊपर केस कर सकता है, वो प्रॉपर्टी ओन कर सकता है वगैरह वगैरह। अब आप कहोगे यार वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, कॉमर्स करने के लिए, बिजनेस करने के लिए उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल कहा जाता है, यानी एक मनगढ़ंत बात है जिसे हमने ही बनाया है और हमारे कंट्रोल में है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, हमारे कंट्रोल में मतलब किसके कंट्रोल में, कौन कंट्रोल कर रहा है? आप तो नहीं कंट्रोल कर रहे हो। तो आप कहोगे नहीं नहीं, कंपनी के डायरेक्टर्स उसे कंट्रोल करते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स
उसका जो उसके तरफ से डिसीजंस लेते हैं, फैसले लेते हैं। मानता हूं जो भी कंपनी है वो कंपनी के डायरेक्टर से या उसके शेयर होल्डर से कंट्रोल किया जाता है, किया जा सकता है, उनके भलाई के लिए, उनकी प्रॉफिट के लिए करते हैं, करेक्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपनी नाम का जो लीगल एंटिटी है वो बहुत कुछ कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता है। यानी मैंने 10 सर वाला रावण जो की जो बात करी, तो 10 सर रावण वाले रावण में कौन से पावर्स थे? तो पहली बात है कि 10 सर वाले रावण है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, वो तुम्हारे और मेरे से 10 गुना ज्यादा सोच सकते हैं या उससे भी ज्यादा। वो एक ही इंसान के अंदर षड्यंत्र रचाने का पूरा एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है, और वो अमर है, उनको मार नहीं सकते। मारने के लिए उनके नाभि पे वार करना पड़ता, उनके कवच के अंदर से अगर बाण गया उनकी नाभि में तब जाके वो मरते, और वो भी नहीं तो आप सर काट लो तो नया सर आ जाएगा। तो ये ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम की चीज क्या है? कोई भी ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनका रिश्ता क्या है, उनका संबंध क्या है? आप कहोगे नहीं नहीं वो पैसों को मैनेज करने का, रखने का, संभालने का, एक्टिविटीज करने का, कमर्शियल एक्टिविटी करने का एक मैकेनिज्म है। ठीक है, सही है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस मैकेनिज्म को खून करने का लाइसेंस है? खून करने का लाइसेंस है, मारने का लाइसेंस है, चोरी करने का लाइसेंस है, डाका डालने का लाइसेंस है, डकैती खुलेआम पब्लिक में चल के डकैती करने का लाइसेंस है। मैं आपको साबित करके बताता हूं, और बिल्डिंग इंडस्ट्री से ही एग्जाम्पल दूंगा मैं। और कायदे कानून की जो रक्षा है ना, सुरक्षा, वो सुरक्षा कवच आपके और मेरे लिए उतना काम नहीं करता है जितना कंपनीज के लिए काम करता है। यानी आपके और मेरे से 10 गुना ज्यादा सुरक्षा उनको कायदे कानून के इंस्ट्रूमेंटेलिटीज से मिलते हैं, पुलिस से उनको सुरक्षा मिलते हैं जो आपको और मुझे नहीं मिलेंगे। कोर्ट रात के दो बजे उठ के बैठेंगे अगर दो कंपनीज के मामले हैं तो, कोर्ट कंटिन्यूअस उनके मामले चलाएंगे, कंटिन्यूअस 7 दिन कंटिन्यूअस चलाना पड़े तो चला देंगे, आपके और मेरे लिए नहीं चलाएंगे। आपका और मेरा अगर खून हो रहा है तो भी आपको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। कंपनी को पुलिस प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाता है, मांगने से मिल जाता है, फॉर द आस्किंग। यानी उनके लिए कायदे कानून, गवर्नमेंट, सरकार, सब उनके तरफ हैं। क्या आपको नहीं लगता है? मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। पहली बात, जब आप किसी बिल्डर के ऑफिस में जाते हो, सेल्समैन आपको कुछ समझाता है, वो जो भी समझाता है क्या उसके लिए कोई भी जिम्मेदार है? मैं आपको जवाब दे देता हूं, नहीं, ऐसे नहीं है। सेल्समैन समझा रहा है कंपनी के तरफ से। अगर सेल्समैन के कहने से सेल्स टीम, लोधा, रुणवाल, गोदरेज, रौनक जो भी है, उनके सेल्स टीम के कहने से आपने टोकन स्वाइप किया, फायदा किसका होता है? कंपनी का होता है। नुकसान अगर वो गलत चला, नुकसान किसका होता है? आपका होता है। अगर वो झूठ बोलता है और उसके झूठ बोलने से आपने टोकन स्वाइप किया, लाखों रुपए दे दिए, उनको झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कि नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्या ठहराया जाता है? नहीं ठहराया जाता है। कंपनी कहेगी ये सेल्स वाले जो भी कहते हैं वो हमसे तो पूछ के नहीं कहते, वो तो इंसान है, गलती तो इंसान से होती है, उसने कहने में कुछ ज्यादा कह दिया होगा, कुछ कम कह दिया होगा, हमने ट्रेनिंग दिया था और हमने जो ट्रेनिंग दिया था उसके मुताबिक उसने नहीं बोला। लेकिन ऐसे नहीं है, कंपनीज उन्हें सिखा के भेजते हैं, झूठ बोलने का ट्रेनिंग दिया जाता है।
सेल्स और मार्केटिंग का जो ट्रेनिंग है, झूठ बोलने का ट्रेनिंग है, उनका एडवर्टाइजमेंट है, उनके जो ब्रोशर्स हैं वो झूठ है, और नीचे लिखा हुआ होता है कि इसमें हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सच नहीं है, इनको मानकर मत चलिए। ब्रोशर में छोटे 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 अक्षरों में लिख देते हैं, एडवर्टाइजमेंट में छोटे छोटे अक्षरों में लिख देते हैं कि ये मनगढ़ंत हो सकता है, ये झूठा हो सकता है, ये गलत हो सकता है। आप रजिस्टर्ड अग्रीमेंट साइन करते हो, उसमें ऐसे ऐसे क्लॉजेस वो साइन करवा के ले लेते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। अरे रजिस्टर्ड अग्रीमेंट तो बहुत दूर की बात है, अलॉटमेंट लेटर भी दूर की बात है, आपके ही एप्लीकेशन फॉर्म में वो साइन करवा के ले लेते हैं कि मैंने इनके कहने से टोकन स्वाइप नहीं किया, सेल्स स्टाफ सेल्स टीम के कहने से टोकन स्वाइप नहीं किया, मैंने किसी के ब्रोशर के कहने से टोकन स्वाइप नहीं किया, एडवर्टाइजमेंट के कहने से टोकन स्वाइप नहीं किया, मैंने अपना खुद का रिसर्च किया है। ये कौन सा रिसर्च किया है भाई? आप कौन सा रिसर्च करते हो? आपको कौन सा रिसर्च करने का समय दिया जाता है मुझे ये बताइए। आपको कोई समय नहीं दिया जाता, वो तो उसी दिन टोकन स्वाइप करने की बात करते हैं। आप जिस दिन सेल्स ऑफिस में जाते हो उसी घंटे में, उसी दिन छोड़ो, उसी शाम को, उसी एक या दो घंटों में टोकन स्वाइप करने की बात करते हैं, निर्णय लेने की बात करते हैं, आपके ऊपर प्रेशर लाया जाता है। अब ये इस झूठ के लिए उन्हें जिम्मेदार, कंपनी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए या नहीं ठहराना चाहिए? नहीं ठहराया जा सकता, ठहराया ही नहीं जा सकता। बहुत मेहनत करोगे, साल दो साल का मेहनत करोगे, तब जाके रेरा आपको अपने पैसे वापस दिलाएंगे, अपने खुद के पैसे। उनको सजा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। उन्होंने झूठ बोला होता है, उनके झूठ की वजह से आपने आपको ये दो साल तलिए रगड़ने पड़े, परेशानी उठानी पड़ी, आपका काम धंधा छोड़ के अपने पैसों के पीछे भागना पड़ा। और ऐसे बहुत कम लोग करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने खुद के पैसों के लिए भी काम धंधा छोड़ के भागदौड़ करते हैं, कोर्ट कचहरी में जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट या रेरा में जाते हैं। बहुत कम लोग, ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, छोड़ो यार ये होने वाला काम नहीं है, छोड़ दो। अरे किसके पास समय है, किसके पास दिमाग है उतना? वकील के फीस सुन के डर जाते हैं लोग, और आपको अपना पूरा वकील का फीस नहीं मिलेगा, वो रेरा भी आपको पूरा अवार्ड नहीं करती है, वो आपको अमाउंट देने को कहेगी, कॉम्पेंसेशन भी ज्यादा नहीं देगी, 20,000-30,000 मैक्स टू मैक्स कहेंगे, लीगल कॉस्ट के तरफ दे दो भाई, यानी भीख के तरफ, भीख की तरह देते हैं, आप भिकमंगे बन के जाते हो। ये टाइप का प्रोटेक्शन मिलता है चोरी डकैती चमारी करने के लिए, आपको नहीं मिलता प्रोटेक्शन। आप इंडिविजुअल हो, आप एक इंसान हो, आप एक टाइम पे एक ही बात कह सकते हो, और वो एक बात के ऊपर आप साइन करते हो, आप खुद साइन करते हो, आपके तरफ से 10 लोग नहीं है झूठ बोलने के लिए, आपका बचाव करने के लिए कोई नहीं है, कंपनी के लिए है। कंपनी में ऐसे होता है, सेल्स वाले आपको कुछ कहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाले कुछ और कहते हैं। आप लीगल में जाओगे, अगर आप रेरा में गए तो उनके जो वकील हैं वो तीसरी चीज कहते हैं। क्या आप तीन अलग अलग बातें कर सकते हो, तीन अलग अलग तरीके से यानी चीजों को पेश कर सकते हो? नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है, आपका झूठ पकड़ा जाएगा। लेकिन कंपनी झूठ पे झूठ पे झूठ बोला जाता है, और कंपनी अक्सर जीतती है। झूठ बोलने का पूरा उनका सिस्टम है, उनका पूरा सिस्टम है, लिख के लीगल तरीके से झूठ बोल रहे हैं और आपके पैसे ले रहे हैं। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि खून कैसे करते हैं। अगर आपके आपकी वजह से कोई मर गया तो क्या आपका खून नहीं माना जाएगा कि आपने खून किया? आपकी वजह से किसी ने सुसाइड किया तो आपके नाम पे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आपने अगर किसी के पैसे ले लिए
बेकायदे सर तरीके से, तो आपको सजा नहीं होगी। अगर आपने किसी से किसी का लाइफ सेविंग्स ले लिया, उनकी पूरी लाइफ की जमा पूंजी ले ली, और उसके बाद वो इंसान मजबूर होके किसी हॉस्पिटल में तड़प के मर जाता है, या उसके रिश्तेदार पैसे के अभाव में, अपने खुद के लाइफ सेविंग्स के अभाव में दवा करने की या सर्जरी करने के पैसे नहीं है, इसलिए वो मर जाते हैं। अगर आप ये काम करोगे तो आपके ऊपर क्या होगा? कायदे कानून एक्शन नहीं होता है आपके ऊपर, आपका जेल नहीं होगा। अगर आपने किसी के पैसे ले लिए और उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन कंपनीज के ऊपर कुछ नहीं होता है। कोई सुसाइड नोट पे उनके किसी कंपनी का नाम लिख के नहीं जाता है, बहुत कम है। एक अभी रिसेंटली हुआ कि भाई मोदी जी का नाम किसी ने सुसाइड करने के समय ले लिया कि मोदी जी छोटे व्यापारी के हितेशु नहीं है, इसलिए मैं जहर का आर खा रहा हूं करके। ज्यादातर कौन करता है? लोग भी नहीं करते हैं, लोग ये इंडिविजुअल्स का नाम लेंगे। अरे वो आलोक गुप्ता नाम का सेल्स वाला था, उसने मुझे पानी में उतार दिया। अरे वो सीआरएम टीम में एक पिंकी विरानी नाम की लड़की थी, उसने मुझे खड्डे में डाल दिया। वो लोग इंडिविजुअल का नाम लेंगे, वो इनका नाम नहीं लेंगे, कंपनी का नाम नहीं लेते हैं। वो समझते हैं अरे नहीं नहीं कंपनी ने क्या किया था, ये झूठ तो ये लोगों ने बोला था। यानी आपके दिमाग में भी यही चलता है। ये कंपनीज आपसे पैसे ले लेती हैं, पैसे लेके बहुत सारे, ये मैं इतने सारे किस्से बनते हैं, इतने सारे किस्से बनते हैं इस शहर में, मैं मुंबई शहर की बात कर रहा हूं, नहीं नहीं तो 10 लाख लोग होंगे जिन्होंने पैसे खो दिए हैं बिल्डर के फालतू के प्रोजेक्ट में, पूरी तरह से फालतू के प्रोजेक्ट में पैसे डाले और खो दिए। कम से कम मैं गिनवाऊंगा तो 10 लाख निकलेंगे, उससे ज्यादा निकलेंगे। कहीं आपको उनकी चीखों पुकार सुनाई देती है? नहीं सुनाई देती है। क्यों क्यों नहीं सुनाई देती है? क्यों पब्लिक नहीं कहती है भाई ये पिशाच का पावर है, ये इन भूत प्रेतों का पावर है कि आप अगर आवाज भी करोगे वो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर देंगे, वो आपको लीगल नोटिस भेज देंगे, वो आपको चुप करवा देंगे। ये इन भूत पिशाचों का पावर है कि आप खूनी को खूनी नहीं कह सकते हो। अगर लोधा, रुणवाल, गोदरेज, रौनक, रुस्तम जी या कोई भी बिल्डर की वजह से इंसान मरा है, इंसान के लाइफ सेविंग्स चले गए हैं, वो डूब रहा है, अगर मैं ये कह दूं कि ये इंसान मरा इसलिए क्योंकि ये कंपनी ने उसे खड्डे में उतारा है, मेरे ऊपर मुकदमा चलेगा। और एंड मीनवाइल मुकदमा चले तो चले, कोई भी कोर्ट, कोई भी पुलिस उनके ऊपर मुकदमा चलाने को तैयार नहीं होगी। वो कहेंगे अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, ये सब व्यापार है। तो भूत, पिशाच, जिन, राक्षस, ये सारे के जो सुपर पावर्स होते हैं, ये धनुष बाण नहीं चलाते, ये षड्यंत्र रचाते हैं, ये मायाजाल बिछाते हैं, ये इल्यूजन क्रिएट करते हैं, ये झूठ को सच बना के पेश करते हैं मार्केट के सामने, पब्लिक के सामने। बोलने वाला कोई नहीं है। जो लोग भूत पिशाच के हाथों फंसे हुए हैं वो भी माया जाल में फंसे हुए हैं, ये मायावी हैं। आप जिस चीज को मायावी कहते हो ना, वो पुराने लंका में यानी नहीं मर गया भाई, वो मायावी आज आपके बीच में जिंदा हैं, चलते हैं, और न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े फ्रंट पेज के एड्स देते हैं और इंटरनेट पे पूरे के पूरे कैंपेन चलाते हैं। ये मायावी हैं, ये माया जाल है, और आप उसे माया जाल को माया जाल भी नहीं कह सकते।
आप ये समझ के चलते हो, आम आदमी ये समझ के चलता है, हर कोई ये समझ के चलता है कि ये सही है। मैं जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ रियल एस्टेट के संबंध में सच नहीं है, ये बहुत सारी बातों में संबंधित है। आज कंपनीज बड़े बड़े लोन लेते हैं, जबरदस्त बड़े लोन लेते हैं, यानी आपको आप सोच भी नहीं सकते वो टाइप के फिगर्स, 7,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, ये टाइप के लोन लेके कंपनीज बंद हो जाते हैं। कंपनी बंद होते हैं, पब्लिक का भी पैसे डुबाते हैं, बैंक का भी पैसे डुबाते हैं, गवर्नमेंट का भी पैसे डुबाते हैं, शॉर्ट में देश का पैसे डुबाते हैं। देश के दुश्मन चाइना है या ये लोग हैं, डुबाते हैं, पैसे को डाइवर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरा, दूसरे के तीसरा, विदेश में चला जाता है पैसा। आरबीआई उनका नाम तक लेना नहीं चाहती है, भारत सरकार उनका नाम तक ये नहीं छोड़ती नहीं है, बाहर पब्लिक नहीं करती है। मांग मांग के आरटीआई मार मार के लोग परेशान हो जाते हैं, ये इनकी बात कोई करने वाला नहीं है। बहुत बहुत रेयर केसेस में पेपर में उनका नाम कभी कभार छप जाता है, नहीं तो उनका नाम पेपर में भी नहीं छपता है, उनके बारे में वीडियोस भी नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो मायावी हैं, वो भूत हैं, पिशाच हैं। उनके पावर्स आपके और मेरे पावर के 10 गुना, 100 गुना, 1,000 गुना है, ये सच है। अब आप कहोगे यार ये तो थ्योरी की बात हो गई, थ्योरी ये तो रोज का सच्चाई है, ये थ्योरी कहां हुआ, ये तो रोज की सच्चाई है। हम पिशाचों के बीच में रह रहे हैं, पिशाच हमारे अंदर से लोगों को खा रहे हैं। जैसे बकासुर के पास किसी को बलि चढ़ाना पड़ता था ना, कि भाई जाओ, वो आपने वो स्टोरी सुना होगा कि भीम को भेजा गया कि जाओ तुम, तो आज गांव वाले तुमको भेज रहे हैं, क्योंकि बलि यानी जब तक बलि नहीं चढ़ाएंगे तब तक वो हमको शांति से जीना नहीं पड़ेगा, जीना अलाउड नहीं है। तो वो बलि चढ़ाते हैं ना, वैसे हम लोग इन लोगों को बलि चढ़ा देते हैं। अरे ये डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट का विक्टिम है, अरे इसका टोकन चला गया, अरे इसका बुकिंग अमाउंट चला गया, अरे इसने रजिस्टर्ड अग्रीमेंट में जो ये पैसे देने के थे उसने नहीं दिए, इसलिए वो गलत है। इंसानों को तुम बलि चढ़ा देते हो, इंसान बलि चढ़ जाता है। कंपनी को चलाने वाले जो लोग हैं वो कभी बैंकरप्ट नहीं होते हैं, उनका दिवाला नहीं निकलता है, कंपनी का दिवाला निकलते वो दृश्य हो जाते हैं, यानी वो कभी है कभी नहीं है, उनका अस्तित्व कभी है कभी नहीं है। तो दोस्तों आप जरा इन बातों पर सोचिए, गौर करिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं।